हमें रोज काम में कुछ इश्यूज आती हैं। एक इशू आती है लीडर्स, फॉलोअर्स और टास्क में। देयर आर लीडर्स, देयर आर फॉलोअर्स, देयर आर टास्क। हम फॉलोअर्स से कुछ काम करवाना चाहते हैं, काम होता नहीं है, और बड़ा एक कन्फ्यूजन सा है कि लीडर का क्या रोल है और फॉलोअर का क्या रोल है और दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो बड़े सिंपल तरीके से मैं जरा समझाना चाहता हूँ कि कई बार जो है हम गुस्से में आ जाते हैं एज ए लीडर कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं करता, इसको आता नहीं है। तो वॉट शुड अ लीडर डू? अ लीडर देन हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। सो लीडर और टास्क के बीच में जो है ना, ये जरूरी है कि लीडर उसको करके दिखाए। अगर एक सेल्स वाला है, हम उसको कहते हैं कि आप जॉब सेल करो, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको लेके जाएं साथ में और दिखाएं कि आप साथ में रहिए, मैं दिखाऊंगा आपको काम कैसे करना है, कैसे बेचना है। अगले ट्रिप में साथ में जाएं, आप शांत रहें, उनको बोलने दीजिए, आप उनको सपोर्ट करिए। तीसरे ट्रिप में उनको अकेले भेजिए कि आप जाइए काम करिए। दूसरा, लीडर और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? इमोशनल कनेक्ट जो है कि फॉलोअर की क्या प्रॉब्लम है, उसके घर पे कोई बीमार है, उसके कुछ चल रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है। इज अ लीडर इवन अवेयर? इज अ लीडर एम्पथाइजिंग? जो एक फीलिंग होती है कि भाई उसके भी कोई प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको सुन रहा हूँ। सो दैट इमोशनल कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा तो वो लीडर कहलाने लायक नहीं है। और उसको बिल्ड करना, ये लीडर का काम है। जैसे एग्जाम्पल से लीड करना, उसी तरह से इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है, फॉलोअर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इज ही एंगेज्ड और नॉट, देखना कि उसको काम करने में मजा आ रहा है, इज ही कॉम्पिटेंट, इज ही कमिटेड। सो दो वर्ड्स जो हैं ये जरूरी है देखना कि कमिटेड है और कॉम्पिटेंट है जो फॉलोअर है, उसको करना आता है कि नहीं आता है। अगर करना नहीं आता, उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी स्किल्स की ज़रूरत है। तो एज अ लीडर आई नीड टू बी वॉचिंग द फॉलोअर, नॉट एज इन कंट्रोल, बट आई शुड बी अवेयर। हो सकता है कि वो जो फॉलोअर है उसका इंटरेस्ट ही ना हो आपकी कंपनी में काम करने का, उस काम में इंटरेस्ट ना हो, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करना, बीइंग अवेयर इज अ लीडर्स जॉब। ये तीन चीज़ें, इसको 3E मॉडल बोलते हैं अक्सर। तो ई फॉर इमोशनल कनेक्ट, ई फॉर एग्जाम्पल, ई फॉर एंगेज्ड, जिस तरीके से भी आपको समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। हर लीडर को समझना है, बहुत ज़रूरी है। हैप्पी लीडिंग।